आपकी आशीष से ही तब पूर्ण हुआ। आप भी मुझे अपना स्नेहाशीष देने की कृपा कीजिए पिताश्री। पुत्र, अब पूर्णता प्राप्त करने के बाद तुम्हें अपनी अद्भुत लीलाओं से संसार को अपना परिचय देना है। विलंब मत करो, आगे ले चलो मुझे। खोलो इस द्वार को, अन्यथा मैं इसका अंत करके तुम्हारा भी अंत कर दूंगा। मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा, किंतु तुम इसे मुक्त कर दो। कर दिया इसे इसके जीवन से। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, अन्यथा अत्यंत विकट संकट उत्पन्न हो जाएगा प्रभु। सिंदूरा मेरा पुत्र अवश्य है, किंतु उसे रोकने में मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता देवराज इंद्र। किंतु ब्रह्मदेव, हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा, अन्यथा वो दुष्ट सिंदूरा अमृत पान कर लेगा। तब तो आपको अविलंब श्री हरि नारायण के पास जाना चाहिए, संभव है वही उसे रोक सके। इसी पर चलकर सुरक्षा के इस घेरे को पार कर सकूंगा मैं। कहीं ये सिंदूर मेरा भी कोई अहित ना कर दे। चल करके कदाचित इन चक्रों की गति को ध्यान में रखकर आगे बढ़ सकता हूं मैं। इन नुकीले चक्रों से कैसे पार पा सकूंगा मैं? हे प्रभु श्री हरि नारायण, कृपा कीजिए इस आशा से कि इन घोर निराशा के पलों में सिंदूरा से अमृत की रक्षा करने के लिए आप ही कोई उपाय निकालेंगे। प्रभु हमारी रक्षा कीजिए। स्मरण कीजिए प्रभु, पूर्व काल में आपने मोहिनी का रूप धारण कर असुरों से अमृत की रक्षा की थी। आज एक बार पुनः हमारे समक्ष ऐसा ही समय आ खड़ा है, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। संकट तो है देवराज इंद्र, परंतु मैं इसमें आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता।
क्योंकि सिंदूरा को ये वरदान प्राप्त कि महादेव के पुत्र के सिवाय उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, इसलिए आप महादेव के पुत्र के पास ही जाइए। देव सेनापति कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय, हमें आपकी सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। एक दुष्ट असुर सिंदूरा अमृत के गुप्त स्थान तक आ पहुंचा है, और यदि उसे रोका नहीं गया तो वो किसी भी अवस्था में अमृत को प्राप्त कर लेगा, और यदि ऐसा हुआ तो घोर अनर्थ हो जाएगा। मैं ब्रह्मदेव के पास गया था, किंतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता देव राजेंद्र। फिर मैंने विष्णुदेव के पास जाकर सहायता की गुहार लगाई। महादेव के पुत्र के सिवाय उसे कोई पराजित नहीं कर सकता, और इसीलिए आप मेरे पास आ गए देव राजेंद्र। किंतु मैं आपकी कोई सहायता नहीं करूंगा देव राजेंद्र। जिसने मेरी माता और मेरे भ्राता का अपमान किया हो उसकी सहायता मैं कदापि नहीं करूंगा। वैसे भी महादेव के जिस पुत्र की सहायता आपको चाहिए वो मैं नहीं, मेरा अनुज गजानन है। किंतु आपने तो उसे पहचाना ही नहीं देवराज। कैसी दुविधा है, एक और वो दुष्ट सिंदूरा अमृत प्राप्त करने के लिए हम देवताओं को चुनौती दे रहा है, और दूसरी ओर इस महान संकट में यदि कोई हमारी सहायता कर सकता है तो वो केवल बालक गजानन है। गजानन वो बालक करेगा हमारी सहायता? यही प्रश्न तो मेरे भी मन में उठ रहा है सूर्यदेव। कहां वो दुष्ट असुर सिंदूरा, और कहां वो नन्ना सा गजमुख बालक गजानन? किंतु ब्रह्मदेव विष्णुदेव और सेनापति कुमार कार्तिकेय सभी ने हमारी सहायता के लिए मात्र एक ही नाम सुझाया है, गजानन 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 गजानन। फिर आपको दुविधा क्यों हो रही है स्वामी? क्या सुविधा है वहां दुविधा क्यों देख रहे हैं आप? समस्या का समाधान तो ज्ञात है आपको। देवी शची, आपको राजकाज की समस्याएं समझाने का व्यर्थ समय नहीं है मेरे पास। समय नहीं है आपके पास, ज्ञात है मुझे, फिर भी आप व्यर्थ समय गवा रहे हैं ना। समस्या स्पष्ट है, एक असुर ने स्वर्गलोक आकर आप सभी को वश में कर लिया, अमृत का गुप्त स्थान दिखाने पर विवश कर दिया, और अब आपको उसके आतंक से कोई मुक्ति दिला सकता है तो वो केवल पार्वती नंदन गजानन। वही गजानन जिसका आपने उपहास किया था, नारी की शक्ति आदि शक्ति का अपमान किया था आपने, माता के मातृत्व को ठेस पहुंचाई थी, उसी का परिणाम है ये। क्या अब भी आप नहीं समझ पा रहे? मुझे तो भावी अनिष्ट का संकेत तभी मिल गया था जब मंदिर में पूजा करते समय जैसे उनके क्रोध को व्यक्त करते हुए देवी दुर्गा का त्रिशूल उनके हाथों से गिर गया था,
और अब देवी पार्वती की अपमान के फूल को सुधारने के अवसर को आप अपने अभिमान के कारण गवा रहे हैं स्वामी। बस, बस, बस। बस देवी सची। वही तो मैं कह रही हूँ स्वामी, बस कीजिए। असुरों से अमृत की रक्षा करना तो देवताओं का परम धर्म है। यदि असुरों ने अमृत का पान कर लिया तो वो अमर अजय होकर संसार में अधर्म का विस्तार करेंगे। इंद्रदेव, देवी सची उचित कह रही हैं। जब विष्णुदेव और ब्रह्मदेव ने अमृत रक्षा का समाधान सुझाया है तो हमारे पास अपना कर्तव्य निभाने का मात्र वही एक उपाय है। सूर्यदेव उचित कह रहे हैं देवराज, हमें किसी भी मूल्य पर अमृत की रक्षा करनी होगी। यदि असुरों ने अमृत का पान किया तो प्रलय आ जाएगा स्वामी, देवताओं का देवत्व मिट जाएगा। आपका सिंहासन जो आपके हाथों से फिसल रहा है वो भी कहां स्थिर रह सकेगा स्वामी। मैं तो थक गया था माँ, और मुझे पीड़ा भी हो रही थी। लगा था जैसे तब पूर्ण ही नहीं कर पाऊंगा मैं। और फिर आपका मुख दिखाई दिया मुझे। आपके नेत्र जैसे दुलार से देख रहे हो मुझे। बस मैं अपनी थकान और पीड़ा भूल गया। मुझे तो तुम पर पूर्ण विश्वास था पुत्र, मुझे सदा ज्ञात था कि तुम अवश्य सफल होगे। इतना सारा भोजन मेरे लिए माँ? माता, देवराज इंद्र, देवगण, देवियां यहां? प्रणाम महादेव। प्रणाम माता। प्रभु, स्वर्गलोक और अमृत दोनों ही बहुत बड़े संकट में हैं। इस संकट को केवल आप ही दूर कर सकती हैं माता।
देवराज पर संकट? क्या चाहते हैं आप मुझसे? आप अपने पुत्र गजानन को हमारी सहायता के लिए भेज दीजिए माता। शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त करूंगा मैं अमृत को। अरे ये तो मेरी ओर बढ़ रहा है। ऐसा कोई सुरक्षा चक्र नहीं जिसे सिंदूरा ना भेज सके। बस अब मात्र एक बाधा शेष है, फिर मुझे अमृत प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरा पुत्र गजानन, वो दूर करेगा आपका संकट? हाँ माता। नहीं इंद्रदेव, जिसने देवताओं को पराजित कर दिया वो तो अत्यंत भयंकर असुर होगा। उसको पराजित करने के लिए तो आपको विष्णुदेव और ब्रह्मदेव के पास जाना चाहिए। माता मैं वहां गया था, किंतु 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 क्या देवराज इंद्र? किंतु उन्होंने मुझे कैलाश आकर आपके और महादेव के पुत्र गजानन से सहायता की गुहार लगाने को कहा। किंतु गजानन तो मात्र एक बालक ही है ना देवराज इंद्र, उसमें तो बस इतना ही विशेष है कि वो मेरा और महादेव का पुत्र है। आप तो ये भली भांति जानते हैं ना कि गजानन तो देवता भी नहीं है। क्या केवल भोलेनाथ और आपके पुत्र होने मात्र गजानन को हम देवता के पद पर स्थापित कर? जो देवता भी नहीं, जो स्वयं अपनी रक्षा करने में भी असमर्थ है, आप उससे देवताओं की, स्वर्ग लोक की, अमृत की रक्षा करने की आशा कर रहे हैं? किंतु प्रभु, इस संसार में अनेकों बालक है और वो भी नाना प्रकार की विपदाओं में घिरे हुए हैं। हम उन्हें सुरक्षित करने मात्र उन्हें देवत्व प्रदान करते। उत्तर दीजिए देवराज, योग्यता के कारण आप मेरे पुत्र गजानन से सहायता मांगने आए हैं या वंश के कारण? देवत्व प्राप्त करने का एकमात्र कारण योग्यता प्रमाणित करने वाला कर्म होना चाहिए। जन्म नहीं। तारकासुर के वध के लिए भी आपको मेरे ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय की आवश्यकता पड़ी। आपने जैसे उससे मुझसे छीन लिया, दूर चला गया वो मुझसे, और अब मेरा छोटा पुत्र गजानन, वो भी चाहिए आपको, उसे भी लेने चले आए। नहीं इंद्रदेव, आज आप महादेव से नहीं मुझसे बात कर रहे हैं। यदि वो जगत पिता है तो मैं भी जगत जननी हूं। मुझे भी अपनी संतानों की चिंता है, आपकी भी। और संकट में आपकी सहायता करना तो मेरा भी कर्तव्य है। किंतु सिंदूरा का संकट तो गजानन ही दूर कर सकता है। यदि ये कार्य उसे ही करना है तो उसके लिए तो आपको गजानन से ही पूछना होगा। आप उससे पूछ लीजिए।
मुझे विश्वास है कि वो अवश्य आपकी सहायता करेगा। यदि वो आपके साथ जाने के लिए तैयार है तो उसे मेरी अनुमति प्राप्त है। गजानन, आप हमारे साथ चलने की, हमारी सहायता करने की कृपा करें। यदि उस दुष्ट को अमृत प्राप्त हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। नहीं देवराज, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा।